हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका फैंटेसी फॉर लाइफ के यूट्यूब चैनल में। तो आई होप आप काफ़ी अच्छे होंगे, काफ़ी अच्छे विन भी कर रहे होंगे। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करने वाले आज के लिए जो हमारा मैच रहने वाला है किस किस के बीच में, कैमरून वर्सेस सर्बिया के बीच में, कैसे कुछ इस मैच के रिलेटेड सारी चीज़ें रहेंगी, कौन से जो प्लेयर्स हो सकते हैं जो आज आपको जिता सकते हैं, कौन से बड़े प्लेयर्स जो आज फ्लोप हो सकते हैं, जिनको मे बी लाइक 60-70% लोगों ने पिक किया हो बट हो सकते हैं फ्लोप। तो सब चीज़ें देखेंगे, डिस्कस करेंगे मेरे साथ में, तो बने रहना वीडियो को पूरा आखिर तक आपको देखने। उसके बाद आप अपनी जो स्मॉल लीग टीम हो बड़ी आसानी से बना पाओगे, आपको पता चल जाएगा कौन से प्लेयर लेने, कौन से प्लेयर जो है टैकल इंटरसेप्शन और ये सब चीज़ों से पॉइंट देने वाले, कौन से प्लेयर आज के लिए गोल कर सकते हैं। तो सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया हुआ है, चैनल पर नए हो तो फटाफट से यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आप और हम साथ में ग्रो करते हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड जो बेल नोटिफिकेशन है उसको प्रेस करना, ताकि आप जो कोई मैच की वीडियोज़ है बिल्कुल भी मिस ना कर पाओ। एंड हाँ, जो मैच के साथ साथ टेलीग्राम चैनल है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। एंड देखो, टेलीग्राम चैनल जो मैं बोलूँगा कि सिर्फ और सिर्फ दिए गए डिस्क्रिप्शन के लिंक से ही ज्वाइन करना, अदरवाइज आपको नहीं पता बट हाँ, अगर आप सर्च करके जाओगे तो फिर आप किसी फेक पर पहुंच जाओगे। तो सर्च बिल्कुल नहीं करना है आपको, टेलीग्राम पर जाकर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, फर्स्ट कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ही आपको जो है ज्वाइन करना है टेलीग्राम चैनल को। अभी देखो बात करते हैं, जो बता भी देता हूँ लाइक मैं आपको ना टीम्स वगैरह देखो यहीं आपको देखने को मिल जाएगी कुछ इस तरीके से। जो ओरिजिनल चैनल होगा उस पर आपको कभी भी प्राइम पेड ये सब का कोई भी मैसेज जो है देखने को नहीं मिलने वाला है। और उसके अलावा एक दो चीज़ और बताता हूँ, देखो जैसे कबड्डी वगैरह आप खेलते हो, फुटबॉल तो खेलते हैं अपन, फुटबॉल वगैरह तो मैं बोलूँगा आप विजन 11 में खेल सकते हो, गिव अप वगैरह आपके लिए वहाँ पर आते रहते हैं। तो विजन का जो लिंक है वो डाउनलोड करने का डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से कर लेना। एंड अभी तो काफ़ी सारे ऑफर्स वगैरह भी चल रहे हैं। बाकी कबड्डी जब आप खेलते हो ना तो आपको पता है कि दूसरी ऐप में भर भर के राइट इश्यूज होते हैं, आप एक प्लेयर लेते हो दूसरे को छोड़ना पड़ता है, बट कोवेरा में आप जा सकते हो, नो क्राइट इशूज़, कोई क्राइट इशू नहीं है, सब मेन प्लेयर को आप वहाँ पर जो है पिक कर सकते हो। और लोग इतने बेवकूफ़ है जो दूसरे ऐप की टीम है वहाँ पर लगा देते हैं, तो ईजिली वो हार भी जाते हैं। बाकी एक बड़ा ज़बरदस्त डुओ फीचर भी है, तो वो भी जाके ज़रूर ट्राई करो। तो दोनों जो ऐप के लिंक्स है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, डाउनलोड कर लेना वहाँ से। बात करते हैं रिसेंट फॉर्म की, देखो पिछले 5 मैचेस में जो कैमरून है ना उनकी कुछ ज़्यादा हालात अच्छे रहे नहीं है। पिछले 5 मैच में अब तक वो 3 हार चुके हैं, ड्रॉ खेले, और जो उनका सबसे रिसेंट मैच है ना वो भी वो हार कर ही आए हैं। बट यहाँ से सर्बिया के हालात भी उतने अच्छे नहीं है, पिछले 5 की अगर बात की जाए तो लाइक उतनी कहानी अच्छी इनकी भी रही नहीं है। से देखो रिसेंट फॉर्म ठीक है बट जो शुरुआत हुई है ना उनके लाइक इस टूर्नामेंट की वो ज़्यादा अच्छी नहीं है, वो पिछला मैच अपना हार कर आए हैं, तो मैं बोलूँगा कि रिसेंट फॉर्म में खराबी मान लो। बात करते हैं प्लेइंग 11 क्या रह सकती है आज के लिए। देखो प्लेइंग 11 की जब बात करो तो जो उनका सबसे पहले तो डिफेंसिव अप्रोच देख लेते हैं, डिफेंस में कौन कौन आपको देखने को मिल जाएगा। डिफेंस की बात करो तो ओनाना आपको देखने को मिलेंगे, उसके बाद में डिफेंस में टोलो है, नेकलो है, कास्टेलेटो एंड यहाँ से फाई आपको देखने को मिलने वाले, सो 4 प्लेयर डिफेंस में। उसके बाद में मिडफील्ड सेक्शन की बात की जाए तो एंग्यूसा रहेंगे, ओंडोआ एंड यहाँ से होंगला आपको जो है मिडफील्ड सेक्शन में देखने को मिलने वाले हैं। अब उसके बाद में अटैक सेक्शन में कौन कौन आएगा, अटैक सेक्शन में कार्ल टोको इकाम्बी है और यहाँ से मैब्यूमो है। अब लास्ट मैच के वजह से यहाँ पर जो चेंज आपको होता हुआ दिख सकता है, यहाँ जो लाइक सेंटर फॉरवर्ड में तो उसमें आपको विंसेंट अबूबाकर जो खेलते हुए दिख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है और गोल वगैरह करने के चांसेस आज के इनके काफ़ी ज़्यादा हाई रहने वाले हैं। अब की प्लेयर्स की देखो अगर मैं बात करूँ यहाँ से कौन कौन आपके लिए बन सकता है, कौन इंपॉर्टेंट बनेगा डिफेंस में से, एटलीस्ट आपने 2 प्लेयर तो या 1 प्लेयर तो लेकर चल ही सकते हो इस टीम से। कैमरून की तरफ से हम बात करूँ तो 1 प्लेयर तो आप ले सकते हो, जिसमें या तो आप एन नोकोलो को ले सकते हो या फिर आप टोलो के साथ में जा सकते हो, किसी भी एक मैं बोलूंगा डिफेंस प्लेयर को आप यहां से जो है ले लेना। उसके बाद में मिडफील्ड सेक्शन से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स निकल कर आते हैं, जैसे जैम्बो अंग्विसे हुए, काफ़ी अच्छे पॉइंट आपको ये दे सकते हैं, टैकल वगैरह की बात हुई या फिर इंटरसेक्शन किया, एक दो की पासेस वगैरह ये कर देते हैं। तो सेकंड प्लेयर आप मैं बोलूँगा इनकी तरफ से ये जा सकते हो, होंगला जो है एक डिफरेंशियल पिक बनेंगे और मैं बोलूँगा ग्रैंड लीग के लिए आप होंगला को मार्क करके चल सकते हो यहाँ पर, ग्रैंड लीग के लिए कैप्टन वाइस कैप्टन। एंड बात करूँ विंसेंट अबूबाकर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंशियल बनेंगे, लोग जो है मैं बोलूँगा कि किसी और ही प्लेयर के साथ में जा रहे थे वो, बट ये बनेगा आज के काफी हद तक डिफरेंस प्लेयर एंड काफी ज्यादा हाई चांसेस है गोल वगैरह करने के वो बाकर के। बाकी मैं भी हूं अभी ठीक ठाक है, डिसेंट में मानता हूं। कार्टो को एक अम्बी से भी कुछ ज्यादा खास परफॉर्मेंस पिछले मैच में तो नहीं आया था, इस मैच में थोड़ी उम्मीद रहेगी इनसे ये अच्छा करके जाए। बाकी देखो गोल वगैरह भी मैं आपको सीधे बता देता हूं कि कितने हैं कितने नहीं है, गोल पर भी आप यहां पर जो साइड में नजर डाल सकते हो। कोलिंस फाई डिफेंस सेक्शन में 2 गोल करते हुए मिलेगा भी नहीं कोई प्लेयर, 54 मैचेस में 0 गोल्स है। कास्टेलेटो 16 मैचेस 0 गोल है, उसके बाद में निकोलस एंड नकलो है
80 मैच में 2 गोल कर चुके हैं, उसके बाद में टोलो है 20 मैच में 0 गोल। देन यहाँ से आती है बात तो गोल वगैरह की, यहाँ से शुरू होती है। फ्रैंक अंगीसा 45 मैचेस में अब तक 5 गोल कर चुके हैं, उसके बाद में काइल ओंडुआ है 5 मैच में 0 गोल। देन यहाँ से मार्टिन होंगला देखने को मिल जाते हैं, 21 मैच में अब तक 0 गोल है इनके भी। उसके बाद में आते हैं ब्रायन मेबूमो, 5 मैच खेले हैं 0 गोल है, और लोगों ने इनको जो है सीधा कैप्टन वाइस कैप्टन से बनाया हुआ है। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस प्लेयर को ना लीग वगैरह में खेलता हुआ दिखा हुआ है, तो इस वजह से लोगों को ऐसा रहता है ना, जिनको लीग में खेलते हुए देखा उनको सीधा कैप्टन कर देते हैं। तो ऐसी चीज़ें, तो मैं भी उनको मैं बोलूँगा ले सकते हो, लेना है तो बाकी उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट मत मान के चलना। 5 मैच में 0 गोल है। विंसेंट अबूबाकर जो आप देखोगे तो 93 मैचेस में 33 गोल कर चुके हैं इंटरनेशनल में अगर देखा जाए, तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, जानते हैं। और उसके बाद में यहाँ से कार्ल टोको इकाम्बी है, 53 मैचेस खेल चुके हैं, 12 गोल आपको इनके तरफ से जो देखने को मिल जाते हैं। विंगर पर आपको ये खेलते हुए दिख जाएंगे। तो ये जो है गोल वगैरह एंड सारी चीज़ें रहने वाली है। की प्लेयर्स भी बात करूं आगे, की प्लेयर्स वैसे मैंने आपको वहां पर बताई दिए थे किस किस को लेना है किसको नहीं। अबूबाकर हुए, होंगला आपके लिए ग्रैंड लीग के लिए हो जाते हैं, अंगीसा स्मॉल लीग के आप ट्राई कर सकते हो, टोलो या कोलो में से किसी एक के साथ में आप डिफेंस सेक्शन में स्मॉल लीग में जा सकते हो, बाकी एक आप इनका गोलकीपर रख लेना। बात करते हैं देखो सर्बिया की क्या टीम रह सकती है और उनके तरफ से कौन से जो है आज के लिए प्लेयर निकल कर आ सकते हैं। सर्बिया की मैं बात करूँ, डिफेंस सेक्शन में आपको मिली क्या नाम है इनका, मिलिकोविक सेविक जो है वो आपको देखने को मिल जाएंगे गोलकीपर। उसके बाद में मिलेनकोविक है, वेलकोजविक है, और यहाँ से पाउलोविक आपको देखने को मिलेंगे डिफेंस सेक्शन में। अब ट्राई करना कि आप डिफेंस इनका ज़्यादा से ज़्यादा ले पाओ। बाकी उसके अलावा अगर फैंटेसी एप्स की बात करूँ तो डिफेंस सेक्शन में आपको यहाँ से जो फिलिप मेलादोनोविक है ना वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे डिफेंस सेक्शन में उनके, क्योंकि लाइक जो फैंटेसी एप्स है वैसे खेलेंगे मिडफील्ड में बट उनको डिफेंस सेक्शन में इन्होंने मेंशन किया हुआ है। तो 4 डिफेंडर हो गए आपके लिए, जिसमें कि मिलेनकोविक जो है लास्ट मैच में 40 के करीब पॉइंट दे गए थे और बहुत ज़्यादा बेहतर इन्होंने परफॉर्मेंस करके दिखाया था। डेफिनेटली अगर लेना है तो लेकर इनको चल सकते हो। उसके बाद में सेकेंड इम्पोर्ट बनते हैं इधर से पाउलोविक, जिनको आप लेकर आज के लिए चल सकते हो। बाकी देखो दोनों टीम्स की मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं जो आज के लिए लाइक स्कोर लाइन रह सकती है ना वो मेरे को 0-0 लग रहा है, या फिर सर्बिया के फेवर में आज के लिए 1-0 लग रहा है, ऐसा कुछ स्कोर आपको देखने को मिल सकता है। सो क्लीन शीट जा सकती है, सो ज़्यादा से ज़्यादा डिफेंडर्स के साथ में जा सकते हो, मतलब 2 डिफेंस प्लेयर अगर आप वहाँ से लेते हो तो 4 आप सॉरी यस 3 आप यहाँ से लेकर जो है चल सकते हो। बाकी मिडफील्ड सेक्शन की बात की जाए, एस मिलेनकोविक सेविक है, ल्यूकिक है, उसके बाद में जीवकोविक, देन यहाँ से डुसान टैडिक रहेंगे अटैकिंग मिडफील्ड में, एंड अटैक सेक्शन देखा जाएगा तो उसमें मित्रोविक देखने को मिल जाएंगे, एंड यहाँ से दुसान वेलहोविक है। तो ये कुछ जो है पूरी एक लाइनअप रह सकती है आज के लिए सर्बिया की टीम की तरफ से। की प्लेयर्स की अगर मैं बात करूँ डिफेंस सेक्शन, तो मैं बोलूँगा 2 से 3 प्लेयर कोई भी आप रख लेना, स्पेशली मिलेनकोविक पावलोविक को सबसे पहले सेलेक्ट कर लेना, उसके बाद में इन दोनों में से किसी एक को, किसी भी एक को आप ले सकते हो। फिलिप मेलादोनोविक के पास लाइक जो आगे खेलेंगे तो चांसेस हमेशा रहते हैं कि असिस्ट वगैरह कर जाएं, तो वो एक एडवांटेज है इनके पास। और बाकी की प्लेयर्स आगे वाले प्लेयर्स में से अगर मैं बताऊं तो मिलेनकोविक सेविक आज के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट जो है मैं मान के चल सकता हूं, गोल वगैरह असिस्ट के चांसेस इनके काफ़ी ज़्यादा हाई है। उसके बाद में ल्यूकिक जो है गोल वगैरह तो नहीं बट हाँ डिफेंसिव पॉइंट जो है ना ल्यूकिक वो काफ़ी अच्छे दे सकते हैं, लास्ट मैच में भी दे रहे थे, वो येलो कार्ड मिल गया जिससे माइनस करा गई है, वरना काफ़ी अच्छे पॉइंट्स इन्होंने पिछले मैच में भी दिए थे डिफेंसिव के, एंड बहुत लोगों का मैं बोलूँ ध्यान है नहीं इनके ऊपर। बाकी टैडिक ले सकते हो और यहाँ से मित्रोविक आपके लिए जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। अब मित्रोविक को इम्पोर्ट अगर मैं बोल रहा था तो मैं क्यों बोल रहा था, क्यों? क्योंकि देखोगे आप गोल वगैरह अलेक्जेंडर मित्रोविक के 77 मैचेस में 50 गोल है, 77 मैचेस में 50 गोल, इतना ज़्यादा लाइक गोल कन्वर्जन रेट है, तो मैं बोलूँगा काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्ट बनेंगे आपके लिए, एक्सपीरियंस भी काफ़ी है। तो डेफिनेटली इनको अगर आप स्मॉल लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। उसके बाद में डुसान टैडिक है, 92 मैचेस में 20 गोल, असिस्ट वगैरह आपको इनकी तरफ से होता हुआ दिख सकता है। उसके बाद में सासा ल्यूकिक 33 मैच में 2 गोल है, मिलेनकोविक सेविक है 37 मैच में यहाँ से 6 गोल के साथ में, बाकी डिफेंसिव प्लेयर आप देख लेना यहां से। तो ये हो जाती है आज के लिए की प्लेयर्स इन सारी चीजें। कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शंस की बात करूं, सेफ स्मॉल लीग में जब आप जाओगे तो आप यहां से मेबीमो कार्ल टोको इकाम्बी को ट्राई कर सकते हो, बट विंसेंट अबूबाकर जो है उनको बोलना मत। एंड उसके बाद में बात करूँ सर्बिया की टीम से, तो टैडिक हो जाते हैं, वेलहोविक हो जाते हैं, एंड थर्ड वन इज़ मित्रोविक आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हैं। टीम की जब हम देखते हैं तो टीम भी मैं आपको बता देता हूँ एक बार, तो ओनाना को मैंने ऐसा गोलकीपर रखा है, उसके बाद में कोलो है, मेलादोनोविक है, मिलेनकोविक और पावलोविक है मेरी टीम में। उसके बाद में मिडफील्ड सेक्शन में कार्ल टोको इकाम्बी, मिलेनकोविक सेविक, एंड देन सासा ल्यूकिक को मैंने रखा है, उसके बाद में विंसेंट अबूबाकर है, एंड यहाँ से मेरे लिए लाइक वेलहोविक पिक हो जाते हैं। उसके बाद में हमारे पास में मित्रोविक है, सॉरी दुसान टैडिक
भी हो जाते, वेलहोविक को मैं मैनेज यहाँ पर नहीं कर पाया, तो ये हो जाती है आज के लिए टीम। कैप्टन वाइस कैप्टन, कैप्टन हमारे पास में मित्रोविक और वाइस कैप्टन है हमारे पास में विंसेंट अबोबाकर। तो ये हो गई आज के लिए सारी टीम एंड सब चीज़ें। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड जो बेल नोटिफिकेशन है उसको भी आप प्रेस कर सकते हो, ताकि आप जो आगे कोई भी मैचेस की वीडियोस रहते हो बिल्कुल भी आप मिस ना कर पाओ। एंड साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल भी ज़रूर ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी ऑल द बेस्ट इस मैच के लिए, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही ज़्यादा जल्द।